जैसा कि आप जानते हैं कि फिटर और वेल्डर का कुछ इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कॉमन होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हैमर तो अनेक प्रकार का होता है, जिसमें आज सिर्फ बॉल पेन हैमर के बारे में बताया जाएगा। बॉल पेन हैमर होता क्या है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में पता चलेगा आज। तो देखिए कि बॉल पेन हैमर का ये फिगर देखने के बाद पता चला कि ये बॉल पेन हैमर, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ऊपर का जो साइज है वो बॉल की तरह है, इसलिए बॉल पेन हैमर इसका नाम रखा गया है। बॉल पेन बॉल की तरह है इसलिए इसका नाम बॉल पेन है। और नेक मीन्स गर्दन बताए, जैसा कि आप जानते हैं तो पता चला कि जो पतला होने का जो भाग है वो क्या है, नेक है, गर्दन यानी कि। उसके बाद जो मेटल का या हैमर का जो मेटल का जो पार्ट है उसका होल को हम आई कहते हैं। और ये हैंडल है, हैंडल का आखिरी किनारा जो बाहरी भाग में थोड़ा सा निकला हुआ रहता है वेज कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर बीच में मिडिल पार्ट मोटा हुआ था, फिर पतला हुआ नेक कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसे हैमरिंग करने का काम करते हैं, किसी भी मेटल पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं या फिर प्लेन को सरफेस करते हैं, चंद्रा वगैरह को सरफेस करते हैं, वैसे स्थिति में बहुत ज़्यादा स्मूथ तो होता नहीं है, लेकिन लगभग इसे पीट कर हम क्या करते हैं, प्लेन बनाने का काम करते हैं। तो ये फेस कहलाता है, ये वाला भाग जिसे हम हैमरिंग करते हैं या नेल काटी ठोकने का काम करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। और फेस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर और नीचे वाले भाग तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं चिक मीन्स गाल होता है, तो ये उसी वाला भाग में है कि हैमर काम करना है, पर लोग गाल वाला भाग यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा हैमर के ऊपर, ये चिक कहलाता है। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि जिससे हम क्या करते हैं, हैमलिंग करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं मॉडर्न समय आ गया है तो ऐसे स्थिति में मेटल का बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया है। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि कभी कभी हम देखते हैं कि मेटल वहीं से बेल्ड किया हुआ रहता है, पाइप की तरह बना हुआ रहता है, पाइप बेल्डिंग का यूज उसमें हो जाता है। वैसे स्थिति में थोड़ा मजबूत भी होता है इससे, लेकिन पहले हम देखते आ रहे हैं और आज भी यूज होता है कि लकड़ी का जो हैंडल होता है वो काफ़ी आरामदायक होता है। वैसे स्थिति में इस हैंडल का प्रयोग किया गया है। तो पता चला कि बॉल पेन हैमर के बारे में। और हैमर ऐसे क्या होता है कि बहुत प्रकार के होते हैं, क्लाव हैमर होता है, स्लेज हैमर, काटी उखाड़ने के लिए क्लाव हैमर का प्रयोग करते हैं मिस्त्री वगैरह, ये सबके पास होता है। स्लेज हैमर जिसका दोनों किनारा क्या होता है कि सेम होता है, स्लेज हैमर है। पिनिंग हैमर छोटे छोटे हल्के हल्के चोट पहुँचाने के लिए पिनिंग हैमर है। स्क्रेजिंग हैमर है। इस प्रकार हैमर के अनेक पार्ट है, भाग है, लेकिन इसमें बॉल पेन हैमर आज समझाया गया, जिसके पार्ट को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आज हम पढ़ते हैं पता चलता है कि फिगर दिया हुआ रहता है और फिगर में ही इंडिकेट करना होता है कि कौन सा भाग का नाम क्या है। या वाइवा के समय लास्ट जो परीक्षा होता है उसमें प्रैक्टिकल के बाद वाइवा होता है, उसमें पार्ट्स के बारे में बताना पड़ता है। वैसे स्थिति में जॉब को दिखाकर यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर हाँ उसके पार्ट को जाना जाता है। इसीलिए अभी से ही हम क्या करते हैं कि सारे पार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं कि कौन सा भाग कहाँ है, और बना बना कर हम प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस उस समय काम आ जाता है जब हम फ्री हैंड स्केच करते हैं या फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं। वैसे स्थिति में हमारा क्या होता है कि शुरुआत से ही बॉल पेन हैमर बनाना जान जाते हैं, उसके बाद फ्लैट फाइल के बारे में हम जान जाते हैं, इसी प्रकार सारे इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर हम जान जाते हैं।